क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। आबकारी नीति में कथित घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के बाद विपक्षी दल ने एक बार फिर से केंद्र को मोदी सरकार पर सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मेरे घर सीबीआई के अधिकारी आए थे, उन्होंने दफ्तर और घर पर रेड की थी। सारे अधिकारी बहुत अच्छे थे, उनको ऊपर से आदेश है तो उन्हें उनका पालन करना है। उन्होंने दावा किया कि अगले 2-4 दिनों में उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा, मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर सीबीआई रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल है। तो सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब घोटाले में सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के हाव भाव, चेहरे का रंग सब उड़ गया था। उन्होंने कहा, हम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हैं कि वो 24 घंटे में मीडिया के सामने आए और इस मामले में जवाब दे। उन्होंने कहा, मनीष अब अपना नाम मनीष की जगह मनीष रख ले, यानी मनीष नाम है और मनीष यानी कि मनी और श मतलब साइलेंट। वहीं इस मामले पर पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिंजड़े में बंद तोता सीबीआई तोता बताया गया है सीबीआई को, जिसके अब भगवा पंख लग गए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के छापे से आम आदमी पार्टी और इसके नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को घबराना नहीं चाहिए। तो जहां सपा समर्थन करती हुई नजर आई है दिल्ली सरकार का, उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, तो वहीं सीबीआई को लेकर भी अब घेरा जा रहा है। कांग्रेस नेता का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पिंजड़े में बंद तोता सीबीआई, जिसके अब भगवा पंख लग गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सभी के वो बयान जिसको लेकर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। मनीष जी ने तो मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY मनी कमाई करो और चुप रहो मनी। ये है घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। देखिए, जानबूझ करके उन्हें घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की घबराहट है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देगी। आप पार्टी से घबराहट है गुजरात में उन्हें कि गुजरात में हो सकता है परिणाम ऐसे बदल जाएं जो आपके पक्ष में चले जाएं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जो विपक्ष के लोग हैं उन पर समय समय पर सीबीआई, समय समय पर ईडी, और मुझे ये लगता है कि आप जैसी पार्टी और सिसोदिया जैसे नेता सीबीआई से और ईडी से घबराएंगे नहीं। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया।
उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने सुनिए, हमने आपको कपिल सिब्बल जो कि दिल्ली के कपिल सिब्बल के बयान के बारे में भी बताया और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर का बयान सुनवाया, अखिलेश यादव का बयान सुनवाया और दिल्ली के डिप्टी सीएम का भी बयान सुनवाया। उनके घर पर छापेमारी पड़ी, जिस तरह से जांच करी जा रही है उनके घर पर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है जिसका पालन किया है सीबीआई ने, सीबीआई रेड पर मनीष सिसोदिया ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा बहुत अच्छे लोग थे, मेरे घर आवास पर छापेमारी करी, ऊपर से आदेश था उसका पालन करना ही था। और अगर बात करी जाए बाकी बयानों की, तो अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि समय समय पर सीबीआई ईडी आईटी की छापेमारी होती रहती है और इससे घबराना नहीं चाहिए मनीष सिसोदिया को। वहीं अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है दिल्ली सरकार पर। उन्होंने कहा कि भले ही सामने मनीष सिसोदिया का ये काम आया है, लेकिन इसके पीछे पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली के सीएम को 24 घंटे के अंदर मीडिया के सामने आना चाहिए, मुखातिब होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लगातार आरोपों का दौर जारी है और जिस तरह से रेड पड़ रही है उसको लेकर अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हुदा जी जुड़ चुकी हैं, हुदा जीरावाला जी आम आदमी पार्टी से, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़ चुके हैं और गौरव मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी से, जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष इस बात के खिलाफ है कि ईडी सीबीआई और आईटी की जो छापेमारी होती है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इसे हमला बताया जा रहा है, विपक्ष पे इसका सभी विरोध कर रहे हैं और अब डिप्टी सीएम पर छापेमारी हो रही है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से देख रही हैं आप? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी मैम जी। तो हम देखते हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर मनीष सिसोदिया जी की, अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल, जो उनका स्कूल मॉडल है, उस पर खबर छपती है, ठीक उसी दिन सुबह से 16 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई की रेड होती है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे सीबीआई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें डरने की कोई बात नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं है। ये बात एक्साइज पॉलिसी की या किसी और चीज की है ही नहीं। एक्चुअली बीजेपी को डर है अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी पर। देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की, जहाँ पे एजुकेशन की, मोहल्ला क्लिनिक की, इन तमाम चीजों की तारीफ हो रही है, बीजेपी को दरअसल मसला इसी चीज से है। इससे पहले जब हिंदुस्तान की न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर छपी थी, वो थी कोविड के टाइम पे, जब त्राही त्राही मची थी, जब हमने देखा था कि गंगा मैया में लाशें बह रही थी और कितना बुरा हाल था। तो उसके बाद ये खबर छपती है, तो बजाय इसके कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे खुश हों, इस बात को सराहें कि ये खबर हिंदुस्तान की अगर छपी है तो तारीफ तो इसमें कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की है, दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की। अगर एजुकेशन की ये खबर छपी है तो ये हम सब के लिए फख्र और गर्व की बात है। लेकिन नहीं, होता क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उससे बीजेपी को इतना मसला है कि पहले डॉक्टर सत्येंद्र जैन पे वो हमला करते हैं, ईडी की इस तरह की छापे और रेड पड़वाते हैं, उसमें भी क्या निकला, कुछ नहीं निकला, और अब मनीष सिसोदिया जी को टारगेट बना रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी को डर है आने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव से, उनको डर है कि दो स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पंजाब में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी पावर में है, आप देख रहे हैं कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में हमारे दो विधायक है, तो ये तमाम जो हमारी पॉपुलैरिटी है, दरअसल मसला बीजेपी को इस चीज से है। बात एक्साइज पॉलिसी की है ही नहीं, क्योंकि अगर एक्साइज पॉलिसी की होती तो वो एक फ्लॉलेस पॉलिसी थी, जिसमें जो अवैध शराब बिकती है, जो जिस तरह से हमने देखा कि गुजरात में, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो ईडी सीबीआई का काम है वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर सरकार को क्यों घेरा जा रहा है?
आपको लगता है सीबीआई क्या अपने हिसाब से या अपने मुताबिक ये रेड करती है? उनके ऊपर भी ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं, वो तो खुद एक ऑर्डर के तहत जहां उनको कहा जाता है कि आप यहाँ रेड मार दीजिए, आप यहाँ इनकन्वीनियंस कॉज कर दीजिए, वो तो वहां पे जाते हैं जी। हम वेट करते हैं ना, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है, अभी तक सारे मामले क्लियर है। मनीष सिसोदिया जी को अगर किसी बात का डर होता तो वो इतने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते। हमारे तमाम पार्टी के लीडर्स, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हो, राघव चड्ढा जी हो, ये तमाम लोग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई, अपना पक्ष क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें डर नहीं है किसी चीज का। हमें पता है कि ये तमाम चीजें, ये जो हथकंडे बीजेपी द्वारा हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हो रहे हैं। और आपने देखा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो या बीजेपी की तरफ से, और ये जो क्या नाम है, इल्जाम तराशी हुई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है वो पैसे दे के छपवाया गया है, क्योंकि खलीज टाइम्स में भी वही सेम आर्टिकल कैसे पड़ा है? ठीक है, यानी कि पूरा आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है। गौरव जी, आप इस मामले में क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार इन सब चीजों का विरोध कर ही रहा है और अब आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ईडी और सीबीआई की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है इसका विरोध किया जा रहा है, बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं, बीजेपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, बीजेपी का कितना रोल है इन सब चीजों में? का अपना कुकर्म ही इसके पीछे जिम्मेदार है। एक्साइज पॉलिसी इन लोगों ने बनाया, 9000 करोड़ के राजस्व का आंकड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन आया 1400 करोड़ रुपए। लेकिन अब उसमें इनको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्टेड एक्साइज रेवेन्यू था वो क्यों इतना हाइप करके बताया गया, और यदि आया तो पिछले दरवाजे से कहीं उनके घर में तो नहीं गया। आज एक्साइज की जो ये पॉलिसी है इनको कटघरे में खड़ा करके रखी है और इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास स्पष्टीकरण नहीं है, और ये उसमें फंस रहे हैं पूरी तरीके से। इनके साथी जो इस घोटाले में शामिल हैं वो फरार हैं। ये 2% के कमीशन को 12% पे ले गए, पूरे युवाओं को दारू के नशे में झोंकने के लिए मजबूर कर दिए। आज एक्यूट रीनल फेलियर और लिवर फेलियर का आप देखिए संख्या कितना बढ़ गया दिल्ली के अंदर। तो ये समाज को क्या देना चाहते हैं? इनके पास एक एक्साइज डिपार्टमेंट था जिससे इनको रेवेन्यू मिल सकता था। इन्होंने पिछले दरवाजे से साठ गांठ करके लीकर मैन्युफैक्चरर के साथ एक बड़ा खेल खेला है जो सर्वथा गलत है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अगर यह घोटाला नहीं रहता तो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को इमीडिएट वापस क्यों लिया? जब इनके ऊपर जांच की तलवार लटकने लगी, जब ये पता हो गया कि हाँ अब जांच हो सकती है, तो इमीडिएट इन्होंने वापस लिया। ऐसा किस कारण से लिया? तो स्पष्टीकरण तो इन्हें देना है। चोर की दाढ़ी में तिनका तो इनके है, तो इस साज को आज की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये बार बार अपने आप को दूध का धुला कहते हैं तो ये साफ स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? इनके दो दो मंत्री जेल, भ्रष्टाचार में जेल, दंगे होते हैं तो उसमें इनका नेता शामिल होता है। तो जितने राष्ट्र विरोधी राजद्रोही कार्य होते हैं, समाज विरोधी कार्य होते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी शामिल रहती है। और चोला पहन लेते हैं भगत सिंह का, कभी चोला पहन लेंगे गांधी जी का, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। इनकी सच्चाई बाहर आ रही है और जनता देख रही है और इसका जबरदस्त रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पूरे दिल्ली को दारू के नशे में झोंका है वो उसका पाप इनको खा रहा है, और निश्चित रूप से इनके लिए जेल का रास्ता भी तय होगा। जी जरीवाला जी, अपनी बात रखिए। ये जो एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अगर पिछले दिनों की खबर इन्होंने फॉलो करी होगी तो आपको आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आप पहुंच पा रही है? आवाज सही कराइए जी। ओके जी मैम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम, आपकी आवाज मिल रही है जी। ये जो एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये पॉलिसी शराब की लिकर पॉलिसी को एक स्टैंडर्डाइज रूप देने के लिए दी गई थी। इस पॉलिसी में कहीं कोई खामियां नहीं थी। दरअसल इन लोगों को अवैध शराब बेचना है, इन लोगों को आपने देखा होगा कि गुजरात में किस तरीके से हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है। हमारे पास आंकड़े पूरे सही तरीके से तो आते नहीं है, मीडिया में भी जो आंकड़े आते हैं वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की मीडिया भी, गुजरात की मीडिया भी बीजेपी के तहत मैनेज हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके इतने सारे किस्से सामने आए, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी बाकायदा से पार्लियामेंट के बाहर धरना दे के बैठे इस बात से कि इस चीज का जिक्र हो। तो जहां पे लोग जहरीली शराब से मरते हैं आप उसका बात क्यों नहीं करते? आप यहाँ पे, हम दिल्ली में हमने स्टैंडर्डाइज करने को न्यू एक्सरसाइज
एक्साइज पॉलिसी बनाई जिसमें बकायदे से रूल्स थे कि सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट जितना एरिया होना चाहिए और ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं उनका धंधा बंद होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें से कहीं ना कहीं बीजेपी बैक लोग हैं, तो आप लोग इस चीज को मुद्दा बना के मनीष सिसोदिया जी को टारगेट करते हैं। दरअसल एक्साइज पॉलिसी में कोई गलती है ही नहीं, जितने एलिगेशन है ये फॉल्स है, बेसलेस है, गलत है। और मैं आपको ये बता दूं कि एक्साइज पॉलिसी की जब बात हुई थी तो इतनी सारी तकरीबन डेढ़ दर्जन हाफ दर्जन के करीब पेटिशन फाइल हुई थी, जिसमें यही बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि कोविड के टाइम पे दुकानें पहले तो क्या नाम है लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद ऑड इवन लग गया था कि एक दिन एक ऑड नंबर दुकान से इवन नंबर दुकान खुलेगी, तो उसके पास दुकानें ऑड बंद करने के बाद जो पॉलिसी आई थी, तो ये जितने लोग हैं जिनके पास ठीक है, जांच में तो ये पता चल ही जाएगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या नहीं है। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इस वक्त राजनीति देखने को मिल रही है, पूरा विपक्ष सीबीआई, ईडी, आईटी इन तीनों चीजों का विरोध कर रहा है, और कांग्रेस नेता का भी जो बयान सामने आया कपिल सिब्बल का, उन्होंने कहा कि पिंजड़े में बंद तोते के भगवा पंख लग गए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या सच में उपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा, या फिर ये विपक्ष का भ्रम है? राजनीतिक पक्ष है, नीतिगत पक्ष यह है कि आप जब नई आबकारी नीति लाए तो फिर ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको ठेका क्यों दी? दूसरी चीज, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उन्हें रिटेल में शराब बेचने की अनुमति क्यों दी? तीसरा सवाल यह उठ रहा है कि आपने जो है जो लाइसेंस फीस जो 144 करोड़ रुपया था जी, उसको जो है आपने क्यों, आपने कैबिनेट को विश्वास में लिए बगैर ही आपने उस पॉलिसी को क्यों लागू कर दिया? यहाँ तक उसमें आपने परिवर्तन कर दिया कि अगर लागू करते समय अगर कहीं उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा तो बगैर कैबिनेट की अनुमति के आबकारी मिनिस्टर ही जो है वो अपना नियम कानून लागू कर देंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि सरकार का एक मंत्री बगैर कैबिनेट का विश्वास लिए जो है कोई भी नीति को लागू कर दे जी। अगर मान लीजिए अगर इसमें खामी नहीं थी तो फिर जो है 14 जुलाई को अचानक आपको मीटिंग क्यों बुलानी पड़ गई और फिर से जो है नए ढंग से कह दिया गया कि नहीं अब 1 सितंबर से जो है पुरानी नीति लागू होगी? तो ये कई इसके अपने आयाम है, पक्ष है, जिसके जरिए जो है सरकार जो है संदेह के घेरे में आती है। अब देखिए इसका दूसरा राजनीतिक पक्ष है जो कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है, ईडी है या और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका क्या राजनीतिकरण हो रहा है? क्या वो तोता सचमुच में है? तो याद करना होगा आपको कोयले घोटाले में जब उस समय जो खदान जब बेचे जा रहे थे, अलॉट किए जा रहे थे, उस समय अश्विनी कुमार जी संभवतः कानून मिनिस्टर से हमें याद आ रहा है, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को तोता कहा था। तो आज वो तोता को आप भगवा पहना दे या हरे रंग से कर दे, कुछ भी कर दे, उसका कोई मतलब नहीं। देखिए सत्य का अपमान वही करता है जिससे असत्य से लाभ हो। अगर आपकी नीति में कोई पॉलिसी में खामी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, तो आपको डरने की, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसका डट करके मुकाबला करिए। अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगता है तो अगर आपकी नीति सही है तो आपको दिक्कत क्या? कहिए ठीक है, आइए हमारे यहाँ छापा मारिए, हमारे यहाँ सब कुछ करिए, अगर हम दोषी हैं तो पकड़े जाएंगे। देखिए भारत की एक रवायत रही है कि जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है उसका राजनीतिकरण करने में जुट जाता है। आपको याद होगा हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जब शिक्षक भर्ती घोटाला में जब उनके ऊपर मामला बना तो कह रहे थे कि हमारे साथ राजनीति की जा रही है, लेकिन क्या हुआ अंततः? उनको जेल में जाना पड़ा, तिहाड़ में जाना पड़ा, उनके साथ करीब दर्जन भर आईएएस अधिकारी भी गए। आपने जयललिता को देखा, जयललिता को भी भ्रष्टाचार में वो कह रहे थे कि राजनीति किया जा रहा है, उसमें वो भी जेल जाना पड़ा। इसके अलावा आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले मामले में वो भी कह रहे थे कि हमें जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्या हमें जेल नहीं गए? मेरा ये मानना है कि जी मेरा ये मानना एक और है कि देखिए देश में और कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक हैं, उनके ऊपर 4 बार 5 बार वो जो है चीफ मिनिस्टर बनकर उनके ऊपर क्यों एलिगेशन लगता है? देखिए जो ईमानदार है ईमानदार है, और ये मान के चलना चाहिए कि कानून की चक्की धीमी ही सही पर बहुत महीन पिस्ती है, इससे कोई बचेगा नहीं। जी
जी ठीक है, बिल्कुल ये बात तो सामने साफ हो ही जाएगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं। लेकिन गौरव जी, अगर बात करी जाए विपक्ष की, तो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से चीजें देखने को मिल रही हैं कि विपक्ष के नेताओं पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला क्यों नहीं सामने आया कि बीजेपी के किसी नेता पर ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई हो? क्या यहाँ पे किसी ने भी, जितने भी नेता है उनमें से किसी ने भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया होगा? अच्छा प्रश्न किया आपने। जो जो अपराध करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसी के ऊपर कार्यवाही होगी। और जहाँ पे ईडी की कार्यवाही हो रही है, वहाँ बंडलों में भरे हुए नोट मिल रहे हैं, बोरों में भरे हुए नोट मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं? उन्हीं लोगों के तो मिल रहे हैं। और कोई भी एजेंसी, सरकारी एजेंसी जब काम करती है और जब रेट डालती है, तो उसके पहले वो पुख्ता इंश्योर कर लेती है इस बात को कि हाँ, ये व्यक्ति या ये संस्था इस काम में लिप्त है, और उसके बाद ही ये कार्यवाही होती है। ऐसे नहीं कोई जाता है और किसी के ऊपर रेट डाल देता है। और उसके बाद सामरिक तथ्य मिल रहे हैं, क्रेडिबल एविडेंसेस मिल रहे हैं, चीजें बरामद हो रही हैं, तो ये आंख के सामने देख रही है। और पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है और अनेकों राज्यों में चल रही है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, इनका स्वागत है और प्रमाणित करें कि हाँ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। कौन रोकता है विपक्ष को? लेकिन हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार करती नहीं है, इसलिए आरोप लगाएंगे कहां से? क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जड़ से पनपे हुए, पैदा हुए लोग हैं और वैसा ही माहौल पैदा करते हैं, इसलिए ये वो गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्हें उसी चाल चरित्र में रहना पसंद है। और इसलिए जब आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी बनाती है और आउट ऑफ वे जा करके किसी भी प्रदेश की पॉलिसी से अलग हट करके, ये पहली बार देखा गया कि एक पर एक फ्री, आप बताइए, कोई खाने पीने का सामान हो तो समझ में आता है कि चलिए एक पे एक फ्री दे रहे हैं, दारू ये दे रहे हैं एक पे एक फ्री, और कहीं ना कहीं वो सरकार के राजस्व को खत्म करने का काम कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से वही राजस्व अपने घर में ले जा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और आज जो परेशान है, सिसोदिया जी भविष्यवक्ता है, कैसे वो इस बात के लिए आश्वस्त है कि उनको जेल हो सकती है, जेल जा सकते हैं, सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है? इसलिए कि वो इस बात से आश्वस्त है कि उन्होंने गलती की है और लोग फरार हैं इसमें, और तमाम ऐसे सबूत मिल रहे हैं, तथ्य मिल रहे हैं सीबीआई को, जिससे प्रमाणित होता है कि इन लोगों ने गलत किया है। जी जरीवाला जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भी कई सवाल किए हैं और उन्होंने सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, सीएम केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर मीडिया के सामने रूबरू होकर अपने आप को साबित करने के लिए चुनौती भी दी है, किस तरह से लेती है इस चुनौती को? मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी मैम, आप सुन पा रही मुझे? जी आप आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी, जिस तरह से कई सवाल किए जा रहे बीजेपी की तरफ से, उसे किस तरह से देख रही है? क्योंकि सिर्फ डिप्टी सीएम तक ही मामला नहीं रहा, सीएम केजरीवाल को भी इसमें खींचा गया है और मीडिया के सामने आकर वो भी 24 घंटे में अपनी बात रखने को कहा गया, एक चुनौती दी है बीजेपी ने। मैं गौरव जी का सवाल दो प्रश्न से करना चाहती हूँ, उनके सवाल का जवाब दो प्रश्न से देना चाहती हूँ कि पहली बात, बीजेपी की सरकार के जो चंद पूंजीपति हैं, उनके ऊपर 3.5 लाख करोड़ से अधिक जो लोन है उसको राइट ऑफ क्यों किया गया? अंबानी जी पे 45,000 करोड़ का लोन है, 35,000 का करोड़ नीरव मोदी पे है, 10,000 करोड़ का लोन विजय माल्या को है। आप अपने पूंजीपतियों की लोन तो राइट ऑफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उनको देश छोड़ के विदेश में सेटल होने की आप बकायदे से खुद उनकी सहायता करते हैं, और यहाँ पे आपकी किसी भी चीज का, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे वो वैक्सीनेशन में इतना ज्यादा घोटाला का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो फार्मर्स के लोन नहीं माफ करने की बात हो, आप लोग अपने जो चंद लोग हैं उनके लोन माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता की, यहाँ पे जो आम आदमी है उसके साथ आप त्राही त्राही मचा देते हैं। आप पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, आप जीएसटी के बाद क्या हुआ, उसके बाद कितना नुकसान हुआ वो देख लीजिएगा। आप अपने किसी बात पे कोई जवाब क्यों नहीं देते? आज तक नरेंद्र मोदी जी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं हुई है। आप लोग के जो जितने लीडरान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को अटैक करने के लिए करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप अच्छा एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे थे, आप ही की बात पे आ जाते हैं। जब लॉकडाउन लगा था
तब पीयूष गोयल जी के पास जो रेलवे की डिपार्टमेंट क्योंकि उनके पास है, तो उनके पास ये बात आई थी कि टिकट क्योंकि ज्यादा नहीं बिकी है तो जो लाइसेंसेस है उसकी फीस कम करी जाए, उनको रियायत दी जाए, तो उनको रियायत दी गई थी। क्यों उन पे रेट नहीं हुई, क्यों वहाँ पे सीबीआई या ईडी नहीं पहुंची? आप एमसीडी की अगर बात कर लें, जितने टोल टैक्सेस है वो एमसीडी के अंडर है और एमसीडी बीजेपी के पास है। 750 करोड़ के करीब उनका टोल टैक्स जमा हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। उन्होंने कहा था कि गाड़ियों की जो आना जाना है वो उसका मूवमेंट कम हुआ है, तो उनकी जो फीस वगैरह है, लाइसेंस वगैरह है, उसमें कमती की जाए और की गई थी। जितने एडवर्टाइजमेंट लगाए गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट थे, उन्होंने परमिशन मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कंसेशन दिया जाए क्योंकि लोगों को मूवमेंट नहीं है, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट जाहिर सी बात है दिख नहीं रही है, तो उनको कंसेशन दिया गया था। तो आपके पास ठीक है, बीजेपी से इन सभी सवालों का जवाब तो लेंगे जरीवाला जी, लेकिन जो मुख्य सवाल है कि क्या सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे? मेरा ख्याल से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आम आदमी पार्टी के द्वारा होती है शायद ही किसी पार्टी की तरफ से होती हो। अगर डर होता तो मनीष सिसोदिया जी कल ट्वीट करके नहीं बताते, आज उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। हमारे तमाम जितने नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हो, चाहे राघव चड्ढा जी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट हो और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हम मीडिया को संबोधित करके साफ साफ अपना पक्ष रखते हैं। डरने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे हथकंडे हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी को आने वाले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में अपनी हार होती भी नजर आ रही है, गुजरात में अपनी बहुत सारी सीट उनको गंवाने का डर है। ठीक है गौरव जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर भी कई इल्जाम लगाए, कई घोटालों की बात कहती हुई नजर आई है, जरीवाला जी क्या कहेंगे, किस तरह से जवाब देंगे इनका? मैं तो उनको सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या उन्होंने कौन सा लगाया है, कोई स्पेसिफिक कोई आरोप लगाया हो तो बताइए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी आज तक विपक्ष विफल रहा है किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में, क्योंकि भ्रष्टाचार होता ही नहीं है हमारी सरकार में। लेकिन फिर भी यदि स्पेसिफिक कोई केस वो बोल रही है तो आप पूछिएगा, तो मैं उनको सुन नहीं पाया जी। मैम आप मुझे ये बताइए कि अदानी पोर्ट पे अगर इनको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो मैम प्लीज आप मेरा सवाल इनसे पूछ लीजिएगा कि 56 केजी के अधिक एक बार और दूसरी बार इससे भी कहीं ज्यादा मात्रा में कोकेन बरामद हुई थी अदानी पोर्ट पर, जिसकी रकम लगभग पहली उसमें 500 करोड़ के अधिक थी और दूसरी बार जब बरामद हुई तो इससे भी कहीं ज्यादा अधिक इसकी कीमत थी। तो वो बरामद होकर एक बार न्यूज में आई, एक दिन आई, उसके बाद वो खबर ऐसी छुपा दी गई, पता ही नहीं चला उसको क्या हुआ। अडानी जी के ऊपर क्यों कोई रेड नहीं हुई, पोर्ट्स तो उनके पास है ना, उनके पोर्ट्स पे उनकी जिम्मेदारी थी, वहां पे बरामद हुई, क्या हुआ उसका? ठीक है गौरव जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये इल्जाम लगाएंगे ये जितने भी उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, उनके जितने भी कर्ज हैं उनको माफ कर दिया जाता है, जितने भी अभी कोविड काल में जो घोटाले हुए उनके जिक्र करते हुए मैम ने आरोप लगाए हैं बीजेपी में, और खासतौर से 56 किलो कोकेन जो अडानी पोर्ट से बरामद हुई थी उसको लेकर भी सवाल कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी को लोन नहीं दिया है, ये लोन पिछली सरकारों ने दिया था। और दूसरा एक महत्वपूर्ण अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले, महत्वपूर्ण विषय ये है कि लोन माफ नहीं हुआ है, वो वेव ऑफ नहीं हुआ है, वो राइट ऑफ हुआ है। तो राइट ऑफ का अर्थ समझ ले तो मुझे लगता है कि वो इस प्रश्न को या भविष्य में उठाएंगे ही, तो मैं इसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा, लेकिन राइट ऑफ का मतलब दूसरा होता है जो अकाउंट में रहता है, लेकिन वो प्रति वर्ष जो है वो ब्याज के साथ और मूलधन के साथ वो रिफ्लेक्ट नहीं करता अकाउंट में, तो उसको राइट ऑफ किया गया था। और इनको एक बात और जानकारी दे दे, ये जितने भी कारपोरेट हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पैदा किए, और जहां दूसरे विपक्षी दलों की सरकार है वहां भी वो कारोबार करते हैं और सभी जगह पूरे देश में वो करते हैं, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक बताए जिसमें कि उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोटाला किया हो। जी मैम, पहली बात गौरव जी, राइट ऑफ का मतलब अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। पहले से लाखों करोड़ों का लोन आपके पूंजीपतियों पर था, बावजूद उसके आप उनको और अधिकतर लोन दे रहे, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे आपने आरबीआई तक से कर्जा ले लिया, आरबीआई तक तो नहीं छोड़ा, कॉर्पोरेट टैक्सेस आपने कम कर दिए। यहाँ पे हम लोगों की सुविधा की
बात करते हैं, फ्री बिजली पानी स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप उसको फ्री में रेवी कह के आम आदमी के ऊपर आप और ज्यादा मसले मसाइल खड़ा करना चाहते हैं। पीएम केयर फंड में कितना ज्यादा लोगों ने सहायता करी थी, करोड़ों का उसमें बैलेंस था, कहां गया? आज तक उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं पे कोई उसका ऑडिट नहीं हुआ। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लोन राइट ऑफ कर दिया। अरे जिसके ऊपर पहले से लाखों करोड़ों के लोन है, आप उनको और मजीद लोन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम आरोप लग रहे हैं। हम एक आरोप की बात नहीं करेंगे, हम तमाम आरोप की बात करेंगे। जहां पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार कह रही है अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? अगर कट्टर ईमानदार है तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब चाहेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार कैंसर की तरह होता है, अगर उसे खत्म करना है तो जिस तरह कैंसर के कीड़े को मारा जाता है उस तरह भ्रष्टाचारियों को खत्म किया जाना चाहिए। आप देखिए, देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल देश जो है काफी कुछ तरक्की किया है, लेकिन आप आनुपातिक रूप से देखेंगी जो उस पीरियड में देश आजाद हुए उसके अनुपात में भारत जो है अभी भी कई मामलों में बहुत पिछड़ा है। चाहे वो मसला जो है बेरोजगारी का हो, गरीबी का हो, भुखमरी का हो, कई बार इसके संसद सामने आ चुके हैं। देखिए, सवाल इसका यह है कि आपने जो नई आबकारी नीति लाई है तो आप जो एक तय प्रक्रिया है, जो एक्साइज रूल्स जिसे कहा जाता है, उसका उल्लंघन आपने क्यों किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ठीक है 32 जोन में आपने पूरे दिल्ली को बांटा आबकारी नीति के तहत, उसमें केवल आपने 16 प्लेयर रखा, तो वो जो छोटे छोटे वेंडर्स होते थे उनकी दुकानें तो पूरी तरह बंद हो गई। यानी साफ जाहिर होता है कि आप कुछ तयशुदा लोगों को ही जो है यह कार्य करने के लिए सौंपे हैं, और जिस तरह से हड़बड़ी में पूरी तरह से काम को किया गया तो निसंदेह सवाल तो उठता ही है। अगर एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री में खींचातानी होती है और यह जो बाद में जो खुद सरकार जो है बैक फुट पर आ जाती है, कहती है कि नहीं हम जो है नई नीति नहीं बल्कि पुरानी नीति को ही 1 सितंबर से लागू करेंगे, तो सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिर आप क्या नई आबकारी नीति बहुत अच्छी थी तो स्वाभाविक रूप से उसको लागू करना चाहिए, आप उसके पीछे हट रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जिन कई लोगों के जो नई आबकारी नीति का खाका खींचे हैं, जो लोग मुंबई से उनका तार जुड़ रहा है और वे जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, तो उनके बारे में सरकार क्या कहेगी? देखिए, केवल रोना रोने से नहीं होगा कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है, बिल्कुल जो है जो भ्रष्टाचार है तो फिर जांच बनती है, किसी के सर ठीक रहा फोड़ के कुछ हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा विपक्ष द्वारा, तो आखिरी सवाल गौरव जी आपसे, क्या दिल्ली के बाद जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी है तो क्या उसी के तहत कहीं ना कहीं डर है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमपी में भी आपको डर सता रहा है, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है, आप क्या कहेंगे? चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है, वो हमेशा भयग्रस्त रहता है, डरा हुआ रहता है, सांच को आंच नहीं होती। यदि अगर ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और ये कार्यवाही हो रही है, तो इस कार्यवाही का वितंडा क्यों खड़ा कर रहे हैं? इसकी मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों मीडिया को के प्रबंधन के माध्यम से अपने आप को देश का सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं? गलत कार्य, इनके कार्य साफ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति पूरे समाज के लिए एक ऐसी नीति लाता हो जिससे कि पूरा का पूरा समाज हर प्रकार से परेशानी में आ जाए, माताएं बहनें परेशानी में आ जाए, जिसके जवान बच्चे दारू पी करके अपने भविष्य को खत्म करने पर आमादा हो जाए, ऐसी पॉलिसी लाने वाला व्यक्ति खुद को अब एक महान नेता के रूप में साबित करने का प्रयास करता है, वो भी मीडिया के माध्यम से, मीडिया में खर्च करके इस प्रकार से अपने आप को डिजाइन करने का, प्रिंट करने का काम करता है और एक एक करके अपने साथियों को बलि चढ़ाता रहता है और उसके कुत्सित और गलत नीतियों के कारण, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं। अगर वो एक ऐसा काम कर रहा है तो उसके ऊपर गाज गिरनी है, आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर वो गलत काम नहीं कर रहा है तो उसको आराम से रहना चाहिए, निश्चिंत होकर के रहना चाहिए और मीडिया के सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन आज स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ इतना कह करके कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो जब आप कट्टर ईमानदार हैं तो नीति को आपने वापस क्यों लिया? आपने एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? किस कारण से लिया? उस कारण को बताना भी पड़ेगा आपको, जनता के सामने यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण था कि 9,000 करोड़ का प्रोजेक्टेड जो आपका राजस्व था वो घट करके 1400 करोड़ क्यों हुआ? सेल बढ़ी लेकिन राजस्व कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, जनता इसका जवाब जानना चाहती है। जरीवाला जी, आप क्या कहेंगे
क्योंकि गड़बड़ी तो देखने को मिल ही रही है और जांच भी बनती है और आप कह रही हैं कि आपको डर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ने कह दिया कि 4 दिन के अंदर जेल होगी, कहीं ना कहीं ये डर का साइन तो है। देखिए बीजेपी जिस तरह की डर की स्थिति पैदा कर देती है, बावजूद उसके हम लोग डट के लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने ईमानदारी से सारा काम किया है देश की। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, नीति पॉलिसी सामने आई है, उस पे पॉलिसी पे अगर कहीं कोई फ्लॉज है और अगर बाकी में कहीं कोई घोटाला हो गया है तो सीबीआई तो जाहिर सी बात है छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी दर्ज होगा, हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो डॉक्टर सत्येंद्र जैन भी जी के एफआईआर क्वाइश करने की और सारा का सारा मामला खत्म करने की वहां पे ऑलरेडी पेटिशन पड़ी हुई है, क्योंकि कुछ निकला नहीं तो यही मामला अभी भी होगा। कुछ निकलना होता तो कल 16 घंटे के करीब सीबीआई रेड में लगी हुई थी, कुछ अगर निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता, हम इतने दरेगम बेखौफ होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे होते। और मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता जी से इतना जरूर सवाल करना चाहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों नेता को टारगेट करने के बजाय अगर आप कहीं ना कहीं देखें, यूपी के टाइम पे हमने देखा था कि कितनी ज्यादा कोविड के टाइम पे कितना बुरा हाल हुआ था, कितनी ड्राई ड्राई मची थी, उस वक्त इतना करप्शन हुआ था, राम मंदिर का घोटाला हम संजय सिंह जी ने कितने दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके खोला है बकायदे से सबूत के पास। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त विपक्ष को सत्ता के घोटाले नहीं देखने चाहिए जरीवाला जी, कहीं ना कहीं अपनी सरकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और इन गड़बड़ों पर ही हमने चर्चा करी और इस चर्चा में हमारे साथ हुडा जरीवाला जी आम आदमी पार्टी से, अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और गौरव मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जिस तरह से दिल्ली की हलचल देखने को मिल रही है, दिल्ली में जो पॉलिसी आबकारी विभाग की पॉलिसी का जो ये मामला सामने आया है, इसको लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है आम आदमी पार्टी को घेरने का। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी बढ़ती पहुँच से, जिस तरह से हमने पंजाब में सरकार बनाई है, अब MP का चुनाव है, बीजेपी अपने आप को हारता हुआ देख रही है, महसूस कर रही है, इसी की वजह से उसके द्वारा ये कराया गया है। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट की माने, विश्लेषकों की माने, वरिष्ठ पत्रकार की माने, तो उनका कहना है कि जब कर नहीं तो डर नहीं। आपको फिर डर नहीं होना चाहिए किसी भी कार्यवाही से अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है, अगर गड़बड़ है तो फिर जांच लाजमी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।